Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गांव की भोली भाली लड़कियों को अपने झांसे में लेकर शहरों में बेचने वाले गिरोह के 11 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कैमूर में की है। पुलिस ने लड़कियों के खरीद बिक्री में शामिल 3 महिलाओं को भी पकड़ा है। सभी कैमूर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कियों को नौकरी लगाने के नाम पर शहर में लेकर जाकर बेच देते थे। इसके अवज में मोटी रकम लेते थे। इस गिरोह में यूपी और राजस्थान के लोग भी शामिल थे। इस गिरोह के बारे में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अकोढ़ी गांव का रहने वाला आज़ाद दीक्षित अपनी पत्नी को ही 3 लाख रुपए में बेचने आया था, लेकिन पुलिस ने सभी तस्करों को गिरफ्तार कर उससे बिकने से बचा लिया। गिरफ्तार लोगों में जयपुर की मंजू देवी और जितेंद्र सिंह, बीकानेर के इंद्रराज, मुंखराव हनुतिया गाँव के बालूराम, चिंगस के चुन्नीलाल और शैबोपुर के अजय कुमार यादव और भभुआ के रूपरपुर की मुन्नी देवी हैं। अकोड़ी गांव की सुनीता देवी भी इसमें शामिल हैं। महिलाओं का बेचने का ये गिरोह ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस पुलिस पकड़ती रही हैं, लेकिन अपने आप में ये पहला खुलासा है जब किसी शख्स ने अपनी पत्नी को ही बेचने का सौदा कर डाला हो। लेकिन इन वक्त पर पुलिस के पहुँच जाने से ये अपनी कामयाबी में सफल नहीं हो सका और पुलिस ने महिला की लाज समेत उन तमाम बच्चियों की लाज बचाई जो शायद ही इस बिक्री से उनको पता हो और वो बेखबर थीं। शहर में सिर्फ एक नौकरी करने के नाम पर आती हैं और उनको ही पता नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी के साथ कब क्या होने वाला है।